हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश ढवले और लर्न मोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं TYBCOM के IT सब्जेक्ट के पेपर सॉल्यूशन के वीडियोस मैं रेगुलर अपलोड करते जाऊंगा। दोस्तों ये एक ऑर्डिनरी वीडियो है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगा दोस्तों, या सभी जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए नहीं है। ये वीडियोस बस TYBCOM के IT सब्जेक्ट के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम अभी है 5th सेमेस्टर में, तो उनका जो MySQL सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर के ये क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ दोस्तों। और ये वीडियोस उनको पूरा देखना होगा जिनका TYBCOM का IT का एग्जाम है। अगर उनको 8 मार्क यहाँ पे फिक्स करने हैं, ये वीडियोस देखने के बाद आपके 8 मार्क्स फिक्स होंगे, ये मैं आपको यहाँ पे गारंटी देता हूँ दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है वो क्वेश्चन नंबर 3A जो MySQL के ऊपर बेस है। TYBCOM के IT सब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ पे शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3A में। ए ऑप्शंस जो आपको इस तरह से रहेगा, क्वेश्चन में यहां पे पढ़ता हूं। राइट MySQL स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल कॉल्ड बैंक हैविंग द कॉलम्स अकाउंट नंबर। तो यहां पे आपको बोला गया है कि एक बैंक नाम का टेबल क्रिएट करो जिसमें कॉलम है अकाउंट नंबर, उसमें आपको दिया है। यहां पे मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं, यहां पे आपको दिया है कॉलम नंबर, पहला कॉलम लेना है अकाउंट नंबर AN और इंटेजर टाइप करेगा वो। उसके बाद डिस्टिंक भी दिया है, तो इंटेजर डिस्टिंक्स क्या रहता है ये आपको मैं बताऊंगा। आगे दिया है डिपॉजिटर नेम, ये है डी नेम, सेकंड कॉलम में हमारा ये क्रिएट करना है। कैरेक्टर विथ वेरिएबल विथ 20 कॉलम्स, उसमें कैरेक्टर विथ वेरिएबल कितने रहने चाहिए, 20 कॉलम्स के। ओके ठीक है। एंड शुड नॉट बी एम्प्टी, ये भी दिया है उसमें। उसके बाद आगे जो दिया है वो है अमाउंट डिपॉजिटेड, यानी कि जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है वो अकाउंट नंबर का, 6 इंटेजर एंड 2 डेसिमल, तो वो यहाँ पे दिया है अमाउंट डिपॉजिटेड यानी DEP। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास है 6 इंटेजर एंड 2 डेसिमल, वो पॉजिटिव वैल्यू है। एंड डेट दिया है यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम DDT, डेट ऑफ डिपॉजिट, वो है डेट। तो इस तरह से यहाँ पे दिया है आपको ये क्वेश्चंस, इसमें आपको लिखना है आंसर कि आप टेबल कैसे क्रिएट करोगे। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें किस तरह से आपको आंसर लिखना है मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या कमांड लिखनी होगी, आपको क्रिएट टेबल की कमांड लिखनी होगी और ये कमांड रहेगी वो। जी हाँ, ये कमांड है क्रिएट टेबल बैंक, ये कमांड आपको यहाँ पे लिखना होगा सबसे पहले। सो आपको MySQL डैश करके लिखना है क्रिएट टेबल बैंक, इस तरह से लिखना है, यहाँ पे ना कोमा कुछ भी आएगा, क्रिएट और टेबल के बीच में यहाँ पे स्पेस है, क्रिएट टेबल और बैंक के बीच में भी स्पेस रहेगा। सो ये स्पेस वगैरह सब इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे प्रॉपरली आपको लिखना है पहला इस तरह से। तो टेबल क्रिएट करने के लिए पहला कमांड था, उसके अंदर पहला कॉलम क्रिएट करना है। तो पहला कॉलम यहाँ पे आप पढ़ लो क्वेश्चन में क्या है, ये समझ लो ये कॉलम है इंटेजर टाइप का और ये है डिस्टिंक, यानी कि यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं आना चाहिए, यूनिक वैल्यूज ही रहनी चाहिए। डिस्टिंक का मतलब होता है यूनिक वैल्यू, और जी हाँ यूनिक वैल्यू के लिए हम लोग की यूज करते हैं, उसका नाम है प्राइमरी की। सो इंटेजर टाइप की ये है AN, ये कॉलम का नाम है, इंटेजर टाइप का है ये, और ये प्राइमरी की होगा। तो INT लिखेंगे, स्पेस देंगे प्राइमरी, और यहाँ पे भी स्पेस रहेगा की। ये कॉलम है हमारा पहला, और पहला कॉलम खत्म हो गया। ये MySQL को समझाने के लिए हम लोग यहाँ पे कॉमा देंगे, और ये कॉमा कंपलसरी है। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते समय या कोई भी ये जो लिख रहे हैं आप, जहाँ पे स्पेस है जहाँ पे कॉमा है, ये प्रॉपरली आपको एग्जाम में लिखना है, क्योंकि इसी के मार्क्स है दोस्तों। यहाँ पे बस आपको 4 या 5 लाइन ही लिखनी रहती है इसमें, और उसके आपको 8 मार्क मिलने वाले रहते हैं। तो 8 मार्क ऐसे नहीं मिलेंगे आपको, उसमें जरा भी मिस्टेक नहीं करनी है, कॉमा स्पेस और हर एक चीज को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो मैंने कॉलम स्टार्ट किया तभी ओपन ब्रैकेट लिखा है, ये ओपन ब्रैकेट एंड देन फर्स्ट कॉलम, इसलिए ओपन ब्रैकेट लिखेंगे हम लोग। इंट टाइप का ये वैल्यू है, इंटीजर टाइप का, और ये प्राइमरी की यानी कि यूनिक नंबर्स याद रखो। अगर यहाँ पे आपको पूछा गया है इंटीजर टाइप का है, यहाँ पे देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये कॉलम ऐसे रहेगा, ऐसा नहीं है, एग्जाम में आपको अलग तरीके से पूछा जा सकता है। स्मॉल इंट टाइप का है तो यहाँ पे आप स्मॉल इंट आंसर लिखोगे, स्मॉल इंट आंसर लिखोगे, इंटेजर टाइप जो है उसमें स्मॉल इंट लिखोगे। आपको बोला है कि यूनिक वैल्यू चाहिए तो भी आप प्राइमरी की यूज लिखोगे, डिस्टिंक या यूनिक। सो
यहाँ पे बताया गया आपको कि अकाउंट नंबर शुड बी यूनिक, तो आपको लिखना है प्राइमरी की, डिस्टिंक्ट बोला है तो भी प्राइमरी की, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, और प्राइमरी की बोला है तो प्राइमरी की अप्लाई कर दो आप यहाँ पे, तो ठीक है वहां पे। उसके बाद आपको बोला है साथ में ये बोला है कि जैसे कि पॉजिटिव वैल्यू रहना चाहिए, तो पॉजिटिव नंबर देने के लिए यहाँ पे स्मॉल इंट आप लिखोगे, सपोज इंटेजर टाइप या इंट टाइप का जो भी है, या बिग इंट टाइप का, यहाँ पे बिग इंट भी बोल सकते हैं यहाँ पे, यानी लार्ज इंटेजर बोल सकते हो, तो लार्ज इंटेजर के लिए आप यहाँ पे बिग इंट लिख दो, तो बिग इंट आपने लिखा है, बिग इंट उसके बाद स्पेस आएगा, और उसके बाद आप अनसाइन लिखोगे, उसके बाद प्राइमरी की आएगा, प्राइमरी की ये लास्ट में रहेगा, जब आपको बोला रहेगा कि आपको वहां पे विदाउट साइन है या पॉजिटिव वैल्यूज है, पॉजिटिव और विदाउट साइन एक ही होता है, सो विदाउट साइन यानी कि माइनस साइन नहीं आएगा, माइनस साइन नहीं आएगा यानी कि पॉजिटिव, तो वही होता है अनसाइन वैल्यू, उसे बोल सकते हैं हम लोग, अनसाइन लिखना है, आगे है उसका एग्जाम्पल आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको मैं बता रहा हूं कि ये पहला जो कॉलम है उसमें ये भी आ सकता है, और उसमें आता है ऑटो इंक्रीमेंट भी, तो ऑटो इंक्रीमेंट ये आपको लिखते समय ऑटो अंडरस्कोर जो लाइन रहती नीचे डैश लाइन हम लोग नीचे लिखते हैं वर्ड के नीचे, तो वहां पे स्पेस जहां पे रहेगा उसमें ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, तो इस तरह से आपको लिखना रहता है और वो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो ये पहला कॉलम तो मैंने बता दिया कि इसमें क्या क्या आने के चांसेस है, इसमें प्राइमरी क्या आता है, इसमें ऑटो इंक्रीमेंट आता है, इसमें मैंने बताया इंटेजर में स्मॉल इंट आता है, बिग इंट आता है, और पॉजिटिव वैल्यू वगैरह क्या मैंने बता दिया आपको। अभी सेकेंड कॉलम यहाँ पे डिपॉजिटर नेम, डी नेम, तो डी नेम का कॉलम किस तरह से हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑलरेडी डी नेम, ये रहेगा वेरिएबल, वेरिएबल विथ कैरेक्टर, यहाँ पे दिया है आपको कैरेक्टर विथ वेरिएबल विथ 20 कॉलम्स, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वेर कैर 20 कॉलम्स, और ये नॉट नल यानी कि यहाँ पे बोला है शुड नॉट बी एम्प्टी, तो इसके लिए लिखना है आपको यहाँ पे स्पेस देना है, यहाँ पे नॉट और उसके बाद भी स्पेस देके यहाँ पे नल, और फिर हमारे कॉमा देना है हमें, ये कॉलम एंड हो चुका है, ठीक है। दूसरा कॉलम हमने लिया वेरिएबल वेर कैर विथ 20 कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे कभी कैर भी रहता है, कभी वेर कैर भी रहता है, कैर का मतलब होता है कि जितने कैरेक्टर्स आप उसमें देंगे वो कैरेक्टर पूरा स्पेस अलोकेट करेगा, और वेर कैर मतलब क्या करेगा, जितने कैरेक्टर्स आप लिखो, सपोज आपने इसमें नाम लिखा है डी नेम मतलब डिपॉजिटर का नाम लिख रहा है सचिन, तो सचिन के 6 कैरेक्टर है प्लस 1 7th कैरेक्टर का स्पेस वो लोकेट करेगा, ये उसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट कॉलम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, इसमें नेक्स्ट कॉलम आपको पता है अमाउंट डिपॉजिटेड डीईपी, डीईपी कॉलम का नाम रहेगा, ये जो बोल्ड में दिया ये आपके कॉलम का नाम रहता है, और 6 इंटेजर और 2 डेसिमल, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेसिमल वैल्यू दोस्तों, तो 6 इंटेजर और 2 डेसिमल्स यहाँ पे आपको लिखना है 8.2, इस तरह से डीईपी कॉलम का नाम रहेगा, डेसिमल देखो डीईपी कॉलम का नाम है, यहाँ पे है डेसिमल, 6 की जगह मैंने 8 लिया है, यहाँ पे तो 6 इंटेजर बताया, ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि आप जब भी कैलकुलेशन करते हैं या सैलरी देना रहता है या कुछ भी अमाउंट देना रहता है, वो अमाउंट आप काउंट करोगे डेसिमल प्लेसेस से लेकर, सपोज आपने यहाँ पे लिखा है 10 लाख रुपीस, तो 10 लाख रुपीस की जो डिजिट है वो आपको कितने आ रहे हैं वहाँ पे काउंट करेंगे आप, तो 10 लाख के अंदर कितने डिजिट आते हैं, सपोज यहाँ पे आप 10 लाख लिखते हैं इस तरह से, सो 10 लाख के अंदर एक इस तरह से आपको डिजिट दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बट अभी इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस भी है, तो ये 7 तो इंटेजर हो गए, ये 2 डेसिमल है, तो 7 इंटेजर एंड 2 डेसिमल यानी कि ये 9th प्लेस हो गया, इसका 1 का स्पेस 9 तो हो गया, तो 9.2 रहेगा, वैसे ही यहाँ पे है 6 इंटेजर है, तो ये जो प्लेस आने वाली है जो भी वैल्यूज आप अमाउंट डिपॉजिट करने वाले वो 8 नंबर के प्लेस पे रहेगा, सो 8.2 आएगा, 8.2 यहाँ पे समझ में आना कैसे काउंट करना है आपको, ये 7th इंटेजर और 2 है आपको बोला गया है, तो ये एक्चुअली लिखते समय बोलेंगे हम लोग कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, सो यहाँ पे 9 आएगा 9.2 है, तो वो 7.2 मतलब 7 इंटेजर्स और 2 डेसिमल्स है, लेकिन लिखते समय इस तरह से उसको लिखा जाता है, और आगे बोला गया है 2 डेसिमल आगे बोला गया है पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव के लिए हम लोग अनसाइन यूज करते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि विदाउट साइन बोला है ये पॉजिटिव बोला है, तो ये समझना है कि ये इस तरह से लिखा जाता है। एंड उसके बाद है डेट ऑफ डिपॉजिट यानी डीटीडी, डेट ऑफ डिपॉजिट को हम लोग डेट लिखेंगे इस तरह से, नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा यहाँ पे डीटीडी डेट, यहाँ पे स्पेस रहेगा और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होगा, ये टेबल क्लोज हो चुका है, सेमी कॉलन और प्रेस एंटर लिखना है, इसके आपको मिलेंगे टोटल 8 मार्क्स दोस्तों, ये पूरे टेबल का, सो पूरे टेबल के 8 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं,
और आपको ये पूरा प्रॉपरली लिखना है यहाँ से ही। आपको ये पहले MySQL स्टेटमेंट, फिर इंटीजर टाइप, ये सब आपको दिखाई दे रहा है कैसे। मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ ये आंसर कैसे लिखना है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, पहले आपको लिखना है MySQL क्रिएट टेबल बैंक, उसके बाद लिखना है पहला कॉलम एन, कॉलम का नाम, फिर स्पेस इंटीजर टाइप, फिर प्राइमरी, और उसके बीच में भी स्पेस रहता है प्राइमरी और की के बीच में, इस तरह से लिखना है। फिर डी नेम वैरकैर 20 नॉट नल, क्योंकि वो एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, शुड नॉट बी एम्प्टी। डी पी डेसिमल 8.2 क्यों होता है ये आपको मैंने बताया, और अनसाइन मतलब क्या बताया, साइन जहाँ पे नहीं लगता माइनस साइन उसको अनसाइन बोलते हैं, यानी पॉजिटिव वैल्यूज रहेगी। और यहाँ पे डेट, डेट इस तरह से, और उसके बाद प्रेस एंटर। तो इस तरह से यह क्वेश्चन का आंसर लिखना है, इसके ही 8 मार्क मिलने वाले दोस्तों आपको। तो ये प्रॉपरली आपको यहाँ पे समझ लेना है क्वेश्चन कैसे लिखना है। अगर इसका प्रैक्टिकल करके देखना है तो मेरे MySQL ट्यूटोरियल है दोस्तों, यहाँ पे ऊपर जो लेफ्ट कॉर्नर पे आई बटन दिख रहा है उसमें मैंने MySQL के ट्यूटोरियल्स डाल दिए हैं, जो आपको हेल्प करेंगे ये समझने के लिए कि ये किस तरह से टेबल क्रिएट होता है एक्चुअली। वो ट्यूटोरियल्स भी आप देख लीजिए, वो वीडियोस देखने के बाद आपको समझ में आएगा प्रैक्टिकल कैसे करना है। यहाँ पे मैं बस आंसर कैसे लिखना है एग्जाम के अंदर वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए ऐसे एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, दूसरा टेबल मैं यहाँ पे लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3A में बी भी ऐसा एक टेबल आता है। हालांकि ये दोनों ऑप्शनल, मतलब ए सॉल्व करो या बी सॉल्व करो, दोनों में से एक सॉल्व करोगे तो आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन बी में किस तरह से क्वेश्चन से एक बार देख लेते हैं हम लोग। सो राइट अ MySQL स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल कॉल्ड टैक्स, टेबल बनाना है टैक्स का, हैविंग द कॉलम्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, कॉलम आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे दिया है INO, कॉलम आइडेंटिफिकेशन दिया है, दिखाई दे रहा है INO, उसमें है इंटेजर टाइप की वैल्यू प्राइमरी की, और नेम दिया है, नेम सेकेंड कॉलम रहेगा आई नेम, उसको लेना हमें, देन कैरेक्टर विथ वेरिएबल 15 कॉलम्स रहेगा, वो 15 कैरेक्टर्स रहेगा उसके अंदर, टैक्सेबल इनकम दिया INC, वेरी लार्ज इंटेजर तीसरा कॉलम दिया है, और इनकम टैक्स दिया है टैक्स वेरी लार्ज इंटेजर, ये भी लार्ज इंटेजर है दोनों भी, देख लेना मैं कैसे बनाता हूँ, और शुड नॉट बी एम्प्टी भी बोला है, एंड डेट ऑफ सबमिशन बोला है DOS डेट। तो यहाँ पे भी कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग। सो पहला कॉलम्स क्या, पहला कमांड क्या रहेगा वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहला कमांड हमारा रहेगा पहला कमांड रहेगा क्रिएट टेबल टैक्स, हमें ये टेबल क्रिएट करना है तो हमें ये लिखना है क्रिएट टेबल टैक्स, ये MySQL के साथ लिखना है इस तरह से। दूसरा कमांड क्या रहेगा यहाँ पे, इसमें रहेगा INO, यानी सेकेंड कमांड में हम लोग लिखेंगे कॉलम का नाम, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन के साथ रहेगा, ब्रैकेट ओपन INO इंटीजर टाइप की वैल्यू, और ये प्राइमरी की है, इंटीजर टाइप की INT स्पेस प्राइमरी की, इसके बारे में मैंने पहले टेबल में आपको बताया है कि प्राइमरी की होता क्या है, यूनिक वैल्यूज। यस अच्छा, नेक्स्ट कॉलम है हमारा आई नेम, वेरिएबल वैर क्या है, यानी वेरिएबल कैरेक्टर की विड्थ है 15, और उसके बाद भी हमने कोमा दिया है, एक एक कोमा यहाँ पे भूलना नहीं है, और उसके बाद दिया INC यानी टैक्सेबल इनकम, वो है वेरी लार्ज इंटेजर, इसके लिए उसको बिग इंट लिखा है, बिग इंट कोमा, एंड नेक्स्ट है आई टैक्स यानी कि इनकम टैक्स, दैट इज यानी कि वेरी लार्ज इंटेजर, ये भी बिग इंट है, और उसमें बोला है कि नॉट नल, नॉट नल यानी नॉट एम्प्टी, नॉट शुड नॉट बी एम्प्टी, तो नॉट नल हम लिखे, नॉट और नल के बीच में आता है स्पेस रहेगा, और हमेशा बिग इंट के बाद भी आप स्पेस देके नॉट नल लिखोगे, तो यहाँ पे कॉमा देके फिर हम लोग लिखेंगे लास्ट कॉलम यहाँ पे DOS। सो DOS के लिए डेट ऑफ सबमिशन है, वहाँ पे डेट लिखा है हमने, और ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलन और प्रेस एंटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस लिखना है, इसका आंसर मैं आपको एक बार बड़े स्क्रीन पे दिखाता हूँ, इस तरह से आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये आंसर लिखना है। MySQL क्रिएट टेबल टैक्स, कॉलम का नाम है INO, उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू रहेगी और यूनिक रहेगी, तो प्राइमरी की अप्लाई करना है, और उसके बाद आई नेम वेरिएबल वैरकैर 15, उसके बाद INC, उसके बाद ये बिग इंट है लार्ज इंटेजर टाइप है, आई टैक्स ये भी लार्ज इंटेजर टाइप है बिग इंट, और ये शुड नॉट बी एम्प्टी यानी नॉट नल, और ये DOS डेट। तो ये था आंसर दोस्तों, किस तरह से करना है ये आपको प्रैक्टिकली मतलब देखना है, तो वीडियोस है जो लेफ्ट कॉर्नर में आई बटन दिख रहा है उसमें वीडियोस रखे मैंने, वो देख लेना टेबल कैसे क्रिएट होता है, क्या SQL में कैसे करना है प्रैक्टिकल। लेकिन अगर आपको एग्जाम में आंसर लिखना है तो ये वीडियोस एक या दो बार देख लो आप, तो आपको ये 8 मार्क्स मिल ही जाएंगे दोस्तों, गारंटेड मिल जाएंगे।
तो ये वीडियोस अगर आपको अच्छा लगा हो तो चलिए जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और ये शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि जिनका भी एग्ज़ाम्स है उनको तो ये पहुंचना चाहिए। मुंबई यूनिवर्सिटी में 60-70 हज़ार स्टूडेंट्स रहते हैं एट ए टाइम, आईटी स्टूडेंट्स, आईटी सब्जेक्ट के, और उसमें से ये सभी स्टूडेंट्स के पास पहुँचा तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि जब आप कुछ प्रैक्टिकली देखते हैं, कुछ सुनते हैं प्रॉपरली, तो ये हमेशा के लिए याद रहता है और ये उनके हेल्पफुल रहता है, मतलब सबके लिए हेल्पफुल रहेगा, सभी स्टूडेंट्स के लिए। और मेरा हमेशा ये मोटिव रहा है कि सभी स्टूडेंट्स को मैं एग्ज़ाम के लिए हेल्प करूं। तो चलिए, ये मैं अभी आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा आपके लिए। और तब तक मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। बाय बाय दोस्तों।